ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को लगा जोड़ का झटका, कोर्ट ने नहीं दी कार्बन डेटिंग की अनुमति। हिंदू पक्ष चिल्लाता रहा मगर जज ने एक भी नहीं सुनी। कोर्ट के फैसले का मुसलमानों ने किया इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश के बनारस में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष को जोड़ का झटका देते हुए वाराणसी की कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हिंदू पक्ष चिल्लाता रहा लेकिन जज ने कहा कि नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। और इस तरह जिला जज अजय कृष्ण विनेश ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की दलील थी कि मस्जिद के कैंपस में जो कथित शिवलिंग मिली है उसकी कार्बन डेटिंग या फिर किसी वैज्ञानिक तरीके से जाँच कराई जाए जिससे सच्चाई सामने आ जाए। इसके जवाब में जिला जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी दूसरे तरीके से जांच कराई जाती है तो इससे कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा, लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुंचेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ होगा। मालूम हो कि पिछले साल 18 अगस्त को 5 हिंदू महिलाओं ने सिविल जज के सामने गुहार लगाई थी कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में मौजूद सिंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद उस वक्त के जज रवि कुमार ने मस्जिद के कैंपस का सर्वे करने का हुक्म दिया था। सर्वे के बाद हिंदुओं ने मस्जिद के वजू खाने को शिवलिंग बताकर हंगामा कर दिया, जिस पर आज वाराणसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जोड़ का झटका देते हुए किसी तरह की सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले का मुसलमानों ने इस्तकबाल किया है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ईमानदारी से अपना काम करे तो देश में किसी तरह का हंगामा खड़ा नहीं होगा। इस वीडियो में अब तक सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।